आइसक्रीम है जी, फिर तो थोड़ी नेड़े कर लिए जी। जे तुसी टाइम पास करना होवे ना ते फिर तुसी कई अंग्रेजी दे हरफ भी लिख सकते हो, तीर भी बना सकते हो, जो मर्जी अदा बनाई जो लम्मे पापड़ खाने बिलकुल शक्ल ऐसी तरह शक्ल होती लम्मे पापड़ा की। ते यकीन जानो एदा मतलब दुबाला की ये दस बाला हो जाना सी। जैसे असी पेस्टियां खाने हैं, पेस्टियां भी यही होंगे कई मतलब माशाल्लाह जो उत्तम बनाए नहीं किया जाए उबाल उबाल के नहीं बनाया जाना इन तलने जो तल के बनाया गया। मैनू यह तुम दस बनाई किमें किसकी बनती कि चीज़ की है लंबी लंबी किमें बन जाती है जो तो मशीन के जरिए बनती है लिक्विड पैदा काफ़ी चीज़ा पा के फिर फ्राई किया जाता है। जी मर्जी चटनी ना खा सकते हो भावें पुदीने की चटनी बना के खा लो तो भावें कोई यह जी चटनी जी खा लो। मिठे पकौड़े भी लगते जो कहते मिठे पकौड़े भी यहोजे बनते हैं क्या पकौड़े छोटे छोटे होंगे जी माशाल्लाह चंगे लंबे लंबी बना दी ने। यकीन जानो के चूरस ही ये बगैर बिल्कुल ही पका रहे हैं। चॉकलेट के नाल होर जायका निकल आता होर मजेदार बन जाती वाह जी वाह। पिंड के बच्चे तो नमकीन चीज़ा हो ज्यादा इस तरह गुड़ गुड़ा बनाते हैं लोग लेकिन गुड़ वाली सेवियां होंगे ने जो चावल च गुड़ पा लीजा लेकिन यहोज शायद नहीं कभी खाई। ये जना मिठाई हैगी है नाश्ता है चिकन की है मिठे के तौर पर इस्तेमाल होता है जी एड चौरस का जायका मिठापन जाने के जिन्हें भी चीज़ा खादी ने मिठिया उन्होंने हट के जायका आ रहा मजेदार किस्म का। जे तुसी दोनों चटनी इस्तेमाल करनी ने तो पहले ये चूरस रन गोता दवाओ फिर उस तो बाद गोता दवाओ फिर उस तो बाद खाओ। असर उसे मन ला रहा ठंड पैंती होनी कोई सर्दी का मौसम है अंदरों बिल्कुल नरम ने बाल बिल्कुल लाए जी लाए जी सुखी लकड़ होंगी है तो जे जायके का पुछो ना यकीन करो कि घर जो तुम अपने बच्चों यह चीज़ बना के दो ना तो बच्चे जोड़े ने तुहाडे बाहर दी चीज़ा खानिया छड़ दें। बाकी स्पेन ते पुर्तगाल ने एवं डिश बनाई अड्डी फेमस हुई कि पूरी दुनिया च खाधी जा रही है अज मेरे को आ गई है मन भी खान मजा आया खान का। ये मैं कहना जो बच्चा नाश्ता नुशा वास्ते माशा का बच्चा तो रोज नसे भजे फिरेंगे ना खाते ही फिरेंगे भी असं अक्सर क्रीम वगैरह खाने अभी इतने रोटी तो बाद शक्कर या गुड़ की ढेली खाने मैं लगता है कि वह भी
रोटी तो बाद मिठा खाने लो जी साढ़े तो पिंड जी कोई चीज नहीं मिलती केक रस जो मिलते हैं तो वह ये तकरीबन तकरीबन समझ लो कि चाचे ताया का हिसाब ला लो तुम इन्ना की रलता मिलता होगा और सके भरावान बकरा नहीं रलते डिश ऐसी घर चाहिए बनानी आती तुसी यह डिश अपने बच्चों भी बना के दे सकते हो कि सुबह जो स्कूल जाता बच्चा खाना चाहता कुछ दोपहर के टाइम उ बेहतरीन है मैं कहना इस तो अच्छी चीज़ कोई नहीं यार साढ़े जो खास पिना साहब मिठाई जी होंगी साढ़े मेरे इलाके ज्यादा बलोचिस्तान ज्यादा जलेबियां बड़ा स्टॉक होना खाते हैं मिठे दौरान रसगुल्ले जामुन वगैरह या बर्फी कोई बड़े स्टॉक होना खाने यार वैसे वाह डिश मैं देखी है जिंदगी की पहली हरी कि देखने च फिक्की लग रही नमकीन तो खाने गुड़ ना मिठी चलो थोड़ी अख की रोटी लाल हो अख मेरे वेखो लाल सुरग है लाल है चिट्टी अख खराब हो गई है अख का आया वायरस तो ओरी वजह मेरी अख खराब हो गई तो मैं डॉक्टर को गया अख को मैं उन्होंने कहा जी तुम ज्यादा चश्मा पा के रखो उन्होंने मिट्टी घटे तो बचाओ तुम बार अगर नहीं फिरते फिर नहीं जरूरत घर च बैग पा की अगर तुम बहर जाना तो फिर चश्मे के बगैर नहीं जाना चश्मा जरूरी मैं बहुत मजा आया चौरस खा के बहुत शुक्रिया बड़ी मेहरबानी तो मजीद होर अपनी डिशा सू दसना असं जरूर रिएक्शन देंगे तो तुम सू इजाजत देवो साढ़े चैनल में सबसक्राइब करो अपना बैल आइकन दबाओ अपने दोस्तों का शेयर करो तो अपनी सेहत का ख्याल रखो तो अल्लाह तुम खुश रखे सू इजाजत देवो अल्लाह।